नमस्कार, मैं शिल्पी त्रिपाठी एबीपीएस की खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे गांव के विकास और पंचायत को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं संत कबीर नगर के भाजपा विधायक श्री राम चौहान जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद विधायक जी। ये बताइए, बजट लागू हुआ है, इसके लिए किसान ग्राम पंचायत और किसानों के लिए क्या सौगात दी गई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से किसानों और गांवों को लेकर के काम कर रही है। किसान का हित होगा तभी देश का हित होने वाला है। ये देश कृषि प्रधान है, किसान के उत्थान के साथ देश का उत्थान, क्षेत्र का उत्थान और लोगों का विकास होने वाला है। और मानव जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए केवल तीन ही साधन हैं, कृषि, पशुधन और उद्योग। इसलिए इस सरकार का पूरा ध्यान जो है केंद्रित है किसानों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, पशुधन के विकास के लिए और लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों से लेकर के बड़े बड़े उद्योगों के लिए, जिससे कि इस प्रदेश की जनता का सर्वांगीण और समन्वित विकास हो सके। और इस विकास को करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज बजट में सभी मंत्रालयों, सभी विभागों में बजट बढ़ाया है। पहले जब बजट पेश हुआ था तो उसमें खस्ता हाल पूरे प्रदेश की जर्जर आर्थिक अवस्था थी, उसमें सुधार करके 11% से ज़्यादा बजटीय अधिक व्यवस्था का प्राविधान किया है। और चलो गांवों की ओर, जैसा कि आपका कार्यक्रम है, यह सरकार भी गांवों की तरफ ही चल रही है, गांव के विकास की दिशा में भरपूर प्रयत्न प्रयास कर रही है। गांव में सड़कों का संजाल होना चाहिए, उन्नतशील और अच्छी तकनीक, विश्व स्तरीय तकनीक के आधार पर गांव सड़कों से जुटे। यह श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के राज में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रारंभ हुआ, जो बड़े पैमाने पर इस समय प्रारंभ हुआ है। बड़े आबादी वाले जो गांव हैं उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ना और जो जिला हेडक्वार्टर है, सभी प्रदेश के जिले के जो केंद्र हैं उनको 4 लेन की सड़कों से जोड़ देना और किसानों के जो माल हैं और इंटरनेट पर देखें कहां पर हमको अच्छा दाम मिल रहा है, हमारे माल का, हमारे उत्पाद का अच्छा मूल्य कहां मिलेगा, इसकी चिंता करें, व्यवस्था करें और अपने माल को अपने संसाधन पर लादे। लाद के वह जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से होता हुआ जिले की जो सड़क है उस पर ले जाए, फिर फरण चतुर्भुज योजना है उस पर ले जाए और 1-2 दिनों में अपने माल को विश्व के, देश के किसी भी कोने में पहुंचाने में सफल हो, सक्षम हो। इस प्रकार से सड़क का फंजाल सभी क्षेत्रों में बिछाने का काम कर रही है। अभी तक बहुत सारे गांवों में बिजली नहीं थी, हमारी सरकार जब से आई है तो फिर पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत बड़े पैमाने पर गांवों में विद्युतीकरण हुए हैं। बहुत कम गांव ऐसे रह गए हैं जहां पर बिजली से वंचित हों लोग। और इतना नहीं तो गांव में आर्थिक तंगी रहती है, कठिनाई रहती है, इसलिए उनको मुफ्त कनेक्शन देने की भी सुविधा प्रदान की है। विधायक जी, जैसे आपने कहा कि गांव किसानों के विकास के लिए पशुधन ही उनका धन होता है, लेकिन गांव में पशु चिकित्सालय बिल्कुल नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पशु चिकित्सालय उन्नत हो, अच्छी प्रजाति के पशुओं की व्यवस्था सुनिश्चित हो आने वाले दिनों में, और जो गाय हैं वो बछिया को ही जन्म दे, इस तरह की तकनीकी उत्तर प्रदेश की सरकार सुनिश्चित करने जा रही है। अभी बछड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी कठिनाई हो जाती है, इसलिए बछिया ही पैदा हो, इस प्रकार की उन्नत तकनीक के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है।
मुझको लगता है आने वाले दिनों में जो पशु अस्पताल हैं उनकी भी व्यवस्था ठीक प्रकार से सुनिश्चित होगी। बहुत बड़ा बदलाव आया है, अभी पशुओं को चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने की दिशा में बहुत पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, ये बात सही है, लेकिन जब से ये सरकार आई है तो इस दिशा में बहुत ज़बरदस्त प्रगति हो रही है। अब तो गाँव में भी व्यवस्था है कि किसी की गाय को यदि गर्भिणी कराना है तो उसके सीमन को डालने के लिए वो फ़ोन करें और फ़ोन करने के बाद जो है डॉक्टर उस स्थान पर पहुंच जा रहे हैं। तो ये कहना समीचीन नहीं होगा, पशुओं की पूरी तरह से देखभाल करने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। पशुपालन के साथ ही किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठने वाला है, क्योंकि हमारी सरकार की मान्यता है कि 2022 तक आज जो किसान के हाथ में धन है, पैसा है, वो दुगुना होना चाहिए, और दुगुना करने के लिए यही सब माध्यम है। उसमें मत्स्य पालन भी है, पशुपालन भी है। पशुपालन की दिशा में, मत्स्य पालन की दिशा में एक बड़ा कारगर कदम और अच्छा बजटीय प्राविधान के तहत सरकार काम कर रही है। आपने कहा कि किसानों के लिए बिजली दी जा रही है, लेकिन कई प्रदेशों में ऐसा है कि किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? कहीं पर बिजली फ्री नहीं दी जा रही है पूरे देश भर में। ये कहना गलत होगा कि कहीं पर बिजली फ्री दी जा रही है। दिल्ली वाली सरकार आ गई, बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त नहीं दे पाए, बिजली तो बात दूर है। इसलिए कोई भी सरकार बिजली मुफ्त नहीं, लेकिन हमारी सरकार, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये सरकार मुफ्त कनेक्शन दे रही है। जिनके पास आर्थिक तंगी है, जिनकी हालत ठीक नहीं है, वह भी अपने घर में बिजली जलावें, उनको भी बल्ब मुहैया कराने का काम। पहले देखो, ये बल्ब जो है मिलता था 400-500 रुपये में LED, आज कितने मिल रहा है? 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये तक। तो बिजली व्यवस्था की दृष्टि से बहुत बड़े पैमाने पर चमत्कारिक काम हुआ है, और ये सरकार पूरी तरह से उसी में संलग्न है, लगी हुई है। विधायक जी, केंद्र की सरकार बनने के बाद सांसदों ने एक एक गांव को गोद लिया था गांव के विकास के लिए, लेकिन उसका जो जिम्मेदार है वो ग्राम प्रधान को ठहराया जा रहा है, ऐसा क्यों है? ये बात सांसद से पूछो और जो गाँव का प्रधान है उससे पूछो। विधायक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थे संत कबीर नगर के भाजपा विधायक श्री राम चौहान जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब बड़ी ही सूझबूझ के साथ दिए हैं। आगे भी हम अन्य जनप्रतिनिधियों से आपको मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए शिल्पी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।